हे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो सुबह उठे हम 9:30 बजे और अभी टाइम हो रहा है 10:30। चाय पी लिया, फ्रेश हो गए, नहा वहा के, मतलब एग्जैक्टली कौवा स्नान। तो कल रात में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। मज़ा आया। मनी तो रूम में ही सो रहा था, मैं अकेले पूरे टेंट में मज़ा ले रहा था। कंफर्टेबल था, बहुत मज़ा आया। और अभी हम सुबह निकल रहे हैं यहाँ से कोटाबाग के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे के आसपास लगना चाहिए यहाँ से कोटाबाग। रास्ते आपने देखे, अगर आपने पहले वाले एपिसोड्स देखे हैं तो बहुत ही अमेजिंग रास्ता है। एनर्जी बहुत अच्छी है, वाइब्स बहुत अच्छे हैं। कल रात में काफ़ी लेट हो गया था सोते सोते, बट फिर भी यार सुबह एकदम फ्रेश उठे। ऐसा नहीं कि आधी नींद में उठ रहे हैं, प्रॉपर नींद सनराइज़ के साथ खुली। कैमरा निकालने का मन नहीं किया, क्योंकि यार कुछ मोमेंट ना आप जस्ट बैठते हो और नेचर को इन्जॉय करते हो, तो एग्जैक्टली वैसा ही था। तो अभी पैक करते हैं और निकलते यहाँ से कोटाबाग के लिए। सुदेश भाई, हाँ जी, नींद आई मस्त? अरे बहुत बढ़िया। हाँ, आप तो जल्दी चले गए थे सोने, आधा घंटा ही पहले तो गया था बस। लेकिन आधे घंटे भी तो जल्दी होता है। हाँ, थोड़ा सा। हम तो और हम मैं और मजनू भाई तो भाई साहब आतंक मचा दिया था हमने, माहौल बना दिया था सीरियसली। पैकिंग तो देखो क्या, मतलब थस के पूरी पैक हो गई। हाँ, मतलब कितनी बड़ी डिक्की हो ना, कैंपर को डिक्की कमी पड़ जाएगी सीरियसली, क्योंकि सामान का ना कोई अंत नहीं है। हाँ। आप ये भी ले चलो, वो भी ले चलो, ये भी जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज़ आप फंसना नहीं जाते। अगर आपके पास सामान होना चाहिए, चाहे गाड़ी में पड़ा रहे और आपके पास वापस आ जाए। हाँ, प्री प्रिपेयर्ड रहना चाहिए हर चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्रांड न्यू फर्स्ट टाइम खुला था और ये जब से मैंने लिया ऐसे एकदम क्लीन, आज तक धोया नहीं, साफ करा नहीं, कुछ नहीं करा। क्यों है इतना अच्छा, इसीलिए थोड़ा सा मेंटेन ध्यान रखना है बस। जब पैक कर रहे हो बस जरा जरा सा जहाँ मिट्टी लग भी जाती है पैरों से वो झाड़ दो, बाकी तो अंदर। ये हार्ड शेल का यही फायदा है ना कि ये पूरा अंदर एक फाइबर के अंदर पैक हो जाता है, कहीं से मिट्टी घुसने का कोई सीन ही नहीं। आके ना आइडिया मिल जाता है कि किस तरफ को ज्यादा, जैसे अभी हमें दिख रहा है कि हमने टाइट कर दिया, बट अभी भी थोड़ा सा और होना गैप है, और होना है, तो इसको अपन लोग प्रेस करके और टाइट कर लेंगे ताकि एरोडायनामिकली ना सही रहे हाईवे पे, फालतू की आवाजें ज्यादा नहीं, राइट, और बैलेंस भी अच्छा बना रहता है, राइट। तो इसको बस इतना और दबाया और तो बटन दबाओ, ऐसे ही बटन दबाओ। सो अपनी गाड़ी अभी नीचे पार्क्ड है वहाँ पे, एंड ये वैली का व्यू, सेम ऊपर रेस्टोरेंट है। तो अभी अपन कर रहे हैं यहाँ पे मस्त वाला ब्रेकफास्ट धूप में बैठ के। हाँ, मज़ा आ रहा है भाई? बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, चापम चाप। रात में यहाँ पे काफ़ी ठंड थी, वो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, रात में 0 डिग्री के आसपास था। बट अभी पहाड़ों पे ना जो धूप रहती है ना, इतनी तेज़ रहती है कि आपको जैकेट वैकेट डालो तो सीरियसली इतनी गर्मी लगने लगती है, पसीने आ जाएंगे। तो अब ब्रेकफास्ट करके अपन नीचे जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे भाई, गलत जा रहे ना, कैमरा से बात करते करते साला गलत ही चला जाता। गाड़ी में सारा सामान पैक्ड है, भैया भी आ गए, और यहाँ पे बैम्बू ट्रीज जो आपको सामने दिख रहे हैं ये सारे, हाँ बेसिकली कमल भाई अपने साथ ये लेके जाएंगे कोटाबाग वाले कैंप साइट पे। ही विल ट्राई टू यू नो मेक द सेम थिंग, देखते हैं वहाँ पे कैसा होता है। यहाँ पे तो बहुत ही सुंदर है, बहुत, एंड इसका जो एंट्री है ना वॉइस, मतलब वो तो कतई जहर है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, हैरियर भाई का वेट कर रहे हैं, मतलब हैरियर भाई बोले तो मजनू भाई का वेट कर रहे हैं। मजनू भाई ऊपर उदय भाई के साथ है। चलो यहाँ से निकल गए, अब यहाँ से बढ़ते कोटाबाग की तरफ। कोटाबाग यहाँ से 3 घंटे के आसपास होना चाहिए, 2.5-3 घंटे लगेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि हम कितनी बार रुकते हैं, कितना फोटोग्राफ्स के लिए रुकते हैं। वैसे तो उतनी रुकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बहुत डिटेल्ड में इस रूट को कैप्चर किया था। तो यार ये रोड इतना एडवेंचरस है ना, मतलब लैंडस्लाइड हुए, आपको एकदम किनारे किनारे गाड़ी पे निकालना पड़ रहा है, मतलब बहुत ही मज़ेदार रोड है। और अभी भैया से हम बात कर रहे थे, भैया बता रहे थे कि जहाँ पे अभी हम रुके थे, मतलब जो सेकंड कैंप साइट था, वहाँ से नैनीताल इज जस्ट लाइक 1.5 घंटा, 1.5-2 घंटा भैया, 1.5 घंटा, 1.5 घंटे के करीब नैनीताल वहाँ से है। तो
तो नैनीताल जो नॉर्मल रूट आपको गूगल सजेस्ट करता है वो तो शॉर्टेस्ट रूट करता है, बट यार समटाइम्स यू टेक ए डिटोर टू एक्सपीरियंस सच रॉ नेचर एंड सच अमेजिंग, यू नो ये रोड बहुत ही अमेजिंग है यार, बहुत ही अमेजिंग है, स्पेशली अगर आप ड्राइविंग एंथुजियास्ट हो और आपको ऐसे ना उड़ता तीर लेने या फिर ऐसे जगह एक्सप्लोर करने का मन है जहाँ पे ना लोग नहीं हो, आप अकेले हो, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं हो, पतला सा ट्रेल हो और आप एकदम वैली में गाड़ी चला रहे हो, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट रोड, दिस इज द बेस्ट रोड। तो बागनी 11 किलोमीटर्स है अभी, तो बागनी वाला अपना कैंप साइट जहाँ पे हमने पहले दिन कैंप किया था वहाँ पे हम भैया को ड्रॉप करेंगे और फिर आगे निकल जाएंगे कोटा बाग के लिए। रही है? हाँ हाँ 13.4 ओके ओके हाँ हाँ बिल्कुल, आप रास्ता देखो, रास्ता तो आप देख ही रहे हो कितना अमेजिंग है, गाड़ी फुल पैक्ड है, ये गाड़ी भी और ये गाड़ी भी फुल पैक्ड है। तो अपन जो अपना पहला कैंप साइट था वो इसके ऊपर था जाके, तो ये कच्चा ट्रेल है जो आप देख रहे हो, इससे हम ऊपर गए थे और वैली में एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे गए थे। तो अब इस टेरेन पे ना मतलब एडवाइस करूंगा मैं, प्लीज गलती से भी ड्रिंक एंड ड्राइव ना करना क्योंकि ये बहुत डेंजरस टेरेन है। यहाँ पर आके एंजॉय करना, आते हुए जाते हुए मत करना। हाँ, और कोई नौसी क्या, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस बंदे को साथ आओ, नॉट इजी टू ड्राइव। हाँ, क्योंकि एकदम खड़ी ऐसी चढ़ान है ना, और टेढ़ी मेढ़ी है और हाँ। सारा जो उसकी ब्रेथ है वो है ही इतनी कम कि सिर्फ टायर ही चल सकते हैं, उसके अलावा और कोई जगह ही नहीं है। हाँ, एक बंदा भी खड़ा नहीं हो सकता, और नहीं खड़ा हो सकता, सो स्पेस इज वेरी लेस, सो ड्राइव केयरफुली ऑन दिस टेरेन पर्टिकुलरली। बीच में ना ऐसे ब्रिजेस आ रहे हैं, तो अभी ना सुलझ भाई वहाँ पे हैरियर की पहले फ़ोटो लेंगे, उसके बाद हमारी फ़ोटो मतलब इस गाड़ी की फ़ोटो लेंगे। तो खतरनाक यार, खतरनाक, मतलब इतने जगह है ना, मतलब हमारे पास टाइम शायद थोड़ा कम है, हमें रात तक घर पहुँचना है क्योंकि कल से ऑफिस है, बट अगर आपके पास टाइम रहे ना तो आप हर टर्न पर ना कम से कम 1 मिलियन फोटोग्राफ ले सकते हो, मतलब इतने अमेजिंग है। और जो दाबका नदी जिसके बारे में मैं बता रहा था, तो उसकी स्टार्टिंग एक्चुअली यहाँ से होती है, यहाँ से ओरिजिन है इस नदी की, तो यहाँ से रिवर स्टार्ट होता है एंड फिर वो नीचे, यू नो बेसिकली बरसाती नदी है ना भैया? हाँ सर, बरसाती नदी, तो बरसात में तो बहुत पानी होता होगा, अच्छा इधर उधर नहीं जा सकता है। अच्छा लग रहा है, बहुत ही मतलब ऐसा ना पहाड़ों का अजीब सा ही स्ट्रक्चर है ना, पहाड़ों को काट के, मतलब काट के क्या, मतलब कट गई है बारिश की वजह से, तो ऊपर से नीचे क्या बर्फ होती है भैया इधर? अच्छा पिघल जाती है, बर्फ रुकती नहीं है ना। किलोमीटर मतलब एक घंटे और लगेंगे, ओके सो रास्ते तब से ऐसे ही है, रास्ते मैंने आपको दिखाए लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है, मज़ेदार रास्ते हैं, पतले रास्ते हैं, क्योंकि सामने से ऑनकमिंग ट्रैफिक नहीं है ना, तो वो टेंशन नहीं है कि आगे से गाड़ी आएगी फिर बैक करना पड़ेगा। अब नॉर्मली इस रास्तों पे ना ट्रैफिक बहुत कम है, बसेस नहीं है, प्राइवेट व्हीकल्स नहीं है, वो सुबह बता रहे थे भैया कि बागनी से बुलेरो चलती हैं, तो सुबह चलती हैं शाम में वापस आती हैं, वो नैनीताल तक जाती हैं फिर वापस आती हैं, तो ऐसा ही है, एकदम चिल इन्वायरमेंट है। बाहर हवा बहुत ठंडी है, खिड़की खोल के चला रहे विदाउट एसी, जो नॉर्मल ऑक्सीजन वाली जो ठंडी हवा है ना वो भाई साहब मज़ेदार है यार, मज़ेदार है। अभी ना कमल भैया कह रहे हैं कि सर आप रेस्ट कब करोगे, कल तो आप लोग जाके ऑफिस करोगे, तो मनी कह रहा है भाई एक बार वहाँ पहुँचने के बाद ना कैसेट की तरह बजाया जाता है आगे से पीछे से, यही हमारा रेस्ट है, बिकॉज आपको रेस्ट क्या मतलब, रेस्ट क्या मनी क्या बोलेगा भाई, क्या मतलब रेस्ट, तो यार रेस्ट ही है, मतलब अब रेस्ट तो वही होगा जब रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। हाँ, तक तो लाइफ में ऐसी हसल बसल चल ही रही है बस। तो चाचा
रेस्ट मत कीजिए, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाइएगा। चार से पाँच किलोमीटर का ये ऑफ रोड पैच है एंड यहाँ पे लास्ट टाइम भी आ रहे थे तो क्योंकि अपहिल था तो धीरे धीरे अभी डाउन हिल में ना इंजन ब्रेकिंग यूज़ करके जाना पड़ेगा बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ये ऊबड़ खाबड़ है तो अंदर बहुत उठा पटक होगी, प्लस अपने पास सामान पीछे ना फुल लोडेड है। बट ऐसा ना मैंने एक बार भी फील नहीं हुआ ना कि इतनी लोड होने के बावजूद भी ना गाड़ी को कहीं चढ़ने में प्रॉब्लम हुई हो। अगर प्रॉपर मोमेंटम से चढ़ाओ ना तो यार डेफिनेटली गाड़ी कहीं भी जा सकती है। जो प्रॉब्लम हुई थी वो हुई थी हमें चिकनी मिट्टी की वजह से और वहाँ पे ट्रैक्शन नहीं मिल रहा था एंड एक बार जब पीछे बैक लेके गए, आपने अगर वो पहले वाले एपिसोड देखे होंगे, पीछे ट्रैक्शन लेके आए तो फिर वहाँ पे चक्का स्पिन तो कर रहा था बट या गाड़ी चढ़ गई। इतनी हैवी गाड़ी ना उस चिकनी मिट्टी पे जहाँ पे हम खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, गाड़ी ने फिर भी चढ़ा लिया, मतलब चढ़ गई। जी अब हो गया गाड़ी का आदान प्रदान, हम आ गए हैरियर में। ठीक है चीनू, मस्त मज़ा आ रहा है, मज़ा डाला है ना? तो हैरियर चलाने का एक्सपीरियंस मैंने मजनू भाई को कहा, मनोज भाई को कहा कि अच्छा ये तो है कि भैया एक बार हमें हैरियर चलाने दो, तो भैया ने कहा ठीक है जी चलाओ। जी कैंप पे आ गए हैं और क्योंकि आज मिट्टी गीली नहीं है तो ज़्यादा परेशानी नहीं, फर्स्ट गियर पे नॉर्मल रफ टेरेन मोड एक्टिवेट कर दिया था और देखते हैं। एक्सयूवी मनी चला रहा था तो देखते हैं मनी लेके आया। हाँ आवाज़ तो आ रही है, हाँ 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 ठीक है आ गई। सो ईजिली गाड़ी आ गई एंड फ्रंट व्हील ड्राइव है तो बस वही है, थोड़ा मोमेंटम के साथ लाना पड़ता है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ ओके। मज़ा आया बहुत, हैरियर चला के भी बहुत मज़ा आया, मतलब स्पोर्ट्स मोड पे तो सीरियसली लग ही नहीं रहा था कि 140 bhp है। प्रॉपर पिकअप, प्रॉपर एक्सेलरेशन। तो चलो अभी करने वाले हम यहाँ पे लंच और मैंने भैया को बोला था, सुलश भाई को भी बोला था कि यार वो वाला बटर चिकन खाना जो लास्ट टाइम खाया था, तो एग्जैक्टली इसी चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए। प्लस जितना भी सामान हमारे गाड़ी में था ना उसको यहाँ पे लोड अनलोड कर देंगे, लोड यहीं से किया था, अनलोड कर देंगे सारे कैंप का सामान। ए लो ये देखो ये क्या नाम है, क्या नाम राजा। सो ये बटर चिकन जो है ना, ये इसका जो टेस्ट है ना बॉस, ये लास्ट टाइम भी मैंने खाया था, मैंने सुलेश भाई को स्पेशली बोला कि प्लीज़ बटर चिकन ही खाना है लंच में। तो बटर चिकन, पंजाबी प्याज, राजमा, जीरा राइस एंड मस्त मज़ेदार वाली रोटी। तो किचन में दिखाता हूँ, यहाँ में ना सबसे अच्छी बात ये है ना कि किचन इतना नीट एंड क्लीन है, इतना नीट एंड क्लीन, प्लस खाना इतना टेस्टी है ना। अगर आप कोटाबाग आ रहे हो और कैंप साइट पे रुक रहे हो, सो दिस इज़ द किचन जहाँ पे खाना बन रहा है, सारी चीज़ें एकदम नीट एंड क्लीन है। नहीं मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में बताया था कि इंटायरली ये प्लेस डेवलप किया गया है टू हैव दैट यू नो रॉ फील, नेचर वाली फील और मस्त नज़ारे वाली फील के साथ ना आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। मनोज भाई अभी निकल जाएंगे देहरादून के लिए और फिर मैं, सुलेश भाई, शीनू एंड मनी, हम चारों जाएंगे दिल्ली के लिए। वहाँ से फिर मुझे आगे जाना है गुड़गांव। तो अच्छा है, मज़ेदार है। टाइम कितना हो गया है, टाइम हो गया है जी 3 बज गए। तो कितना टाइम लगेगा हमें पहुंचने में? 5 घंटे नॉर्मली लगता है विकास भाई। अच्छा, ट्रैफिक मिला पिछली बार की तरह? हाँ तो ट्रैफिक मिलेगा, मैं भी 15 दिन पहले आया था ना तो अभी ट्रैफिक मिलेगा, 6-6.5 घंटे मान लीजिए आप। एंड बैक टू वर्क या बैक टू नॉर्मल लाइफ? बैक टू नॉर्मल लाइफ, हाँ, बिकॉज अप्स एंड डाउन्स ऐसे ना, एक ही अगर मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। हाँ उधर भी इधर भी, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बैक टू भसड़ अब तो है, बैक टू भसड़, बैक टू नॉर्मल जिंदगी।
तो चलो भाई को भाई बोलते भाई को बाय बोलते हैं। हाँ भाई को बाय बोलते हैं और फिर अपन निकलते हैं यहाँ से आगे गुड़गांव के लिए। नेक्स्ट टाइम थाईलैंड ट्रिप है। ब्लॉग नहीं कर पाएंगे ना।